नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भाग्य दृष्टि में। मित्रों, आज कंगना रावत की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से रहेगा कंगना रावत के लिए ये जो समय चल रहा है, किस तरह से रहेगा। हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है कंगना रावत जी का, वो 23 मार्च 1987 है और दिन के 12 बजे का जन्म है इनका। मंडी हिमाचल प्रदेश का जन्म है ये। आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा सुन लीजिए, 23 मार्च 1987 और दिन के 12 बजे का जन्म है और मंडी हिमाचल प्रदेश का जन्म है। तो इस समय के अनुसार जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और मिथुन लग्न है इनका और राहु और बृहस्पति और सूर्य की युक्ति दशम स्थान में है। और इस समय जो दशा चल रही है मंगल की महादशा चल रही है कंगना रावत पर। और मंगल जो है इनके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में बैठा हुआ है और ये 2025 तक जो है कंगना रावत पर जो दशा चल रही है मंगल की चल रही है। मंगल बहुत बढ़िया है इनका क्योंकि लग्न का स्वामी जो है वो बुध है और बुध 9वें घर में बैठा हुआ है। विद्या और बुद्धि और वाणी का प्रतीक जो होता है वो बुध होता है। बुध जो है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, वाक पटुता में निपुण और मिथुन लग्न वाले थोड़ा बड़बोलेपन भी उनके अंदर आता है और वो बेझिझक होकर के हर बात को यानी कि जनता के सामने रखने वाले होते हैं। अब सूर्य जो दशम स्थान का है और मंगल की जो महादशा चल रही है, इस समय कंगना रावत जी के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। ज्योतिष के अनुसार जो देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है और अनुकूल है। जो मंगल है ये लाभ भाव में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, 6वें घर का है। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा परेशानियां हो सकती हैं लेकिन फिर भी मंगल जो लाभ भाव में बैठ जाए और मेष राशि का स्वस्थान पर अपने घर का जो मंगल लाभ भाव में जब बैठता है तो ये राजनीति में भी एक अपनी पैठ बनाता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो राजनीति में भी अपना पूरा दबदबा रखते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कुंडली का अगर विश्लेषण किया जाए, ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए इस समय, तो कंगना रावत जी के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और इस समय उनको राजनीति में भी कदम रखना चाहिए। आने वाले समय में देख लेना, 2025 से पहले कंगना रावत राजनीति में एक अच्छी पहचान बना लेंगे अपनी और हो सके तो कंगना रावत को राजनीति में भी कदम रख सकते हैं और राजनीति में भी आ सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान समय है मंगल की महादशा है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मंगल अपने घर का हो तो ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी जरूर लगवाता है लेकिन जीत हासिल करवाता है। मंगल जो है भूमि पुत्र है और ये मकान से संबंधित परेशानियां तो जरूर दे रहा है इनको लेकिन मैं जहां तक समझता हूं इसमें भी इनकी जीत होगी। भूमि प्रॉपर्टी का कारक जो है वो मंगल होता है, मंगल वहां से परेशानी क्योंकि 6वें घर का स्वामी भी है, लाभ भाव अपने घर में बैठा हुआ है लेकिन लाभ होगा इनको। इस समय जो वर्तमान जो दशा चल रही है 2018 से चल रही है, 2025 तक रहेगी। 2025 तक कंगना रावत जी के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि 2018 से पहले का समय कंगना रावत जी के लिए बहुत अच्छा नहीं था, मिला जुला जो समय था चंद्रमा की महादशा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। लेकिन अब मंगल की महादशा है, एक अलग पहचान पूरी तरह से कंगना रावत जी को मंगल ने दी है और इस समय जो मंगल है वही कंगना रावत को सपोर्ट करेगा और मंगल काफी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा 2025 तक। तो ये था आज कंगना रावत जी की कुंडली का विश्लेषण। भविष्य में भी आगे हम किसी सेलिब्रिटी की कुंडली का विश्लेषण दोबारा आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।